प्रधानमंत्री की तर्ज पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी युवाओं से संपर्क साधने के लिए इन्फ्लुएंसर्स से संवाद किया। मंगलवार को गुरुग्राम पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की, उनके साथ सवाल जवाब का दौर चला। इस दौरान देश की सुरक्षा से लेकर कश्मीर तक के मुद्दे पर युवाओं से संवाद हुआ। अपने आप में खास रहे इस संवाद में देश के अलग अलग राज्यों से आए करीब 50 इन्फ्लुएंसर्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं से अपील की कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल देश को एक नई दिशा देने के लिए करें। आज पूरे देश से हमारे जो यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स मीट में पूरे देश से हमारे यंग साथी आए और अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, उनकी फॉलोइंग जो फॉलोअर्स हैं, क्योंकि YouTube के माध्यम से जिस प्रकार से इनका एक बड़ा महत्व है कि ये अच्छी और स्पष्ट जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और जिससे लोगों की फॉलोइंग इनके साथ जुड़ती है और क्या क्या काम हो रहे हैं, देश कैसे गति से आगे बढ़ रहा है और उसके ऊपर हमने बताया भी है सभी यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में भारत ने एक नई दशा और दिशा तय की है। आज लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतरी है, देश को विकास का एक नया आयाम दिया है। मुख्यमंत्री के साथ संवाद कर इन्फ्लुएंसर्स भी प्रभावित दिखे। इन युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की ओर से डिजिटल वर्ल्ड में जो काम किया जा रहा है वो युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आने वाले समय में भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बड़ा मार्केट होगा। मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा बोला। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है या जो ऑनलाइन ट्रोल्स हो रहे हैं ये कैसे थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि इनका जो फेक न्यूज बनती है ऑनलाइन, जो लोगों को फेक वो करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि फेकनेस को कैसे मिटाना है, क्या करना है और कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जैसे और जैसे पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस की बहुत फेक न्यूज बनती है। तो आज के युवाओं को ये पता चलता है कि हर फील्ड में स्कोप है। एक टाइम पे नहीं तो माँ बाप बच्चों को बोलते थे क्या वीडियो बना रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ये कर लो वो कर लो, मना करते थे। आज शायद माँ बाप ही बोलेंगे कि बेटा अच्छा कंटेंट बनाइयो। हाँ, बट युवाओं को ये जो बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, पहले थोड़ा जब देख रहे हैं तो उसको जांचो, एक तरफा चीजों से मत जाओ। कोई भी देखो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा कि अगर मेरे को लाखों या करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं तो समझो वो जो भी बोलता है तो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मैं युवाओं को बोलना चाहूंगा इस चीजों का ध्यान रखे कि सामने देखे, एक तरफा विश्वास ना करे बातों पर। इस संवाद के बाद मुख्यमंत्री का एक खास अंदाज भी देखने को मिला। नागपुर से आए मशहूर डॉली चाय वाले की चाय का लुत्फ उठाते नायब सैनी नजर आए। उनके साथ मंत्री असीम गोयल और कृष्ण लाल पवार भी चाय की चुस्कियां लेते दिखे। डॉली चाय वाले ने बीते दिनों भारत दौरे पर आए बिल गेट्स को भी चाय पिलाई थी। इस खास बैठक का आयोजन निजी संस्था की ओर से किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, यहां आए युवाओं को सम्मानित भी किया। गुरुग्राम से सूर्या समाचार के लिए नीरज अंबावता की रिपोर्ट।